बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफी और मारूफ यूट्यूबर जैन अली साहब। आज हम उनसे बात करेंगे कि इमरान खान को आखिर किन से खतरा है, उनकी जान के पीछे आखिर कौन पड़ गया है। तो जैन अली साहब, बताएं कि इमरान खान के साथ क्या आखिर क्या होने वाला है। देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया। इमरान खान ने जिस सुपर पावर को जिस तरह ललकारा है, पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। यानी देखिए, आपके भरे जलसों के अंदर जो है वो अमेरिका का नाम लिया गया, भरे जलसों के अंदर जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया गया कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं, पाकिस्तान में हुकूमत को तब्दील करने के लिए साजिश कर रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में माजी में इस तरह की मिसाल हमें पाकिस्तान की सियासत में नहीं मिलती। यानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो अमेरिका का नाम लिया था, लेकिन उस टाइम भी कहा जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बड़े दबे अल्फाज में और इस तरह ब्लंटली जो है वो अमेरिका को मुरद इल्जाम नहीं ठहराया था जिस तरह इमरान खान साहब ठहराने हैं। यानी हर जलसे के अंदर वो बाकायदा तौर पर नाम लेते हैं अमरीका का, और आप सब जानते हैं कि अमरीका का जो स्टेक है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा है। अमरीका के पाकिस्तान में अच्छे खासे मंसूबे हैं, पैसे लगे हुए हैं। फिर एक आपने हमेशा बात याद रखनी है कि अमेरिका जिस मुल्क के अंदर पैसे लगाता है उसकी ये कोशिश होती है, ये ख्वाहिश होती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कम से कम उस अमेरिका के बारे में गलत तासुर ना रखें जहाँ पर अमेरिका पैसे लगा रहा है। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने गुज़िश्ता 10 साल के अंदर पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई शक यहाँ के लोग अमेरिका के बारे में गलत तासुर रखेंगे तो वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की वो जाया हो जाएगी। फिर एक ऐसा शख्स जो अमेरिका को भरे जलसों में ललकार रहा है, जो अमेरिका को कह रहा है कि तुमने हमारे मुल्क में मदाखलत की, हमारी हुकूमत को गिराने में साजिश की, हमारे अंदरूनी मामलात में जो है वो तुमने दखल अंदाजी की, तो वो जो शख्स है वो जाहिर है अमेरिका को कभी भी वो नहीं गुजारा कर सकता अमरीका उसके साथ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की जान को खतरा है, और उन्ही लोगों से खतरा है जिनका नाम हम इमरान खान अपने जलसों के अंदर ले रहे हैं। और पाकिस्तान में इसकी मिसाल इमरान खान अकेले नहीं है। हमने शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ देखा है, हमने माजी के सियासतदानों के साथ देखा है कि अमेरिका की कितनी पेनिट्रेशन है पाकिस्तान के अंदर। फिर आप हमारे हमसाए में देख लें, अफगानिस्तान के अंदर जो है वो कितने दखल अंदाजी वो करते रहे। फिर आप हमारे इधर वाले पड़ोस में देख लें, भारत के अंदर भी उनके बाकायदा तौर पर जो है वो काम करते हैं। तो इमरान खान की जो सिक्योरिटी को थ्रेड है वो बिल्कुल ठीक है, और उनको सिक्योरिटी दी जानी भी चाहिए। वो एक नेशनल लीडर हैं, वो पाकिस्तान की उन लीडरशिप के अंदर शुमार होती हैं जिसमें हमारे 5-10 लोग हैं, जिसमें आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ हैं, इमरान खान का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। तो इमरान खान को सिक्योरिटी देना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उन्होंने वक्त के सुपर पावर को ललकारा है। जी सर, यहाँ पे ये भी बताते चलिएगा कि रात गए जो एक बयान जारी हुआ डॉक्टर बाबर अवान का, और उन्होंने कहा कि जी कुछ नामालूम अफराद जो है बनीगाला में देखे गए हैं। तो आप क्या समझते हैं, कोई बाहर से शूटर आए हैं या फिर इमरान खान को यही अंदर से ही खत्म कर दिया जाएगा? आपकी इस हवाले से क्या अप्रोच है? देखिए इदरीस, पहली बात तो ये है कि बाहर से कभी कोई नहीं आता, हमारे अपने लोग हैं वो इस्तेमाल होते हैं हमेशा से। ये आज से नहीं है, ये गुज़िश्ता 75 साल से है। बाहर से कोई आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करता, बाहर से कोई आकर पाकिस्तान में सियासतदानों के ऊपर हमले नहीं करता, ये हमारे अपने लोग हैं जो इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे रिजीम चेंज हुई तो बाहर से आकर तो किसी ने रिजीम नहीं चेंज की, इस्तेमाल तो हमारे अपने लोग ही हुए। आपने सिंध हाउस के वो सारे ड्रामे देख लीजिए। कल रात को मैं आप सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था कि हमेशा पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, बाहर से कोई नहीं आता। इस दफा भी इमरान खान की जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं लोग, उनको इस बात का खतरा है कि हमारे अपने लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। बाबर अवान साहब ने कल रात को जिस खदशे का इजहार किया था वो भी यही था कि बनी गाला के इर्द गिर्द जो है कुछ ऐसी मूवमेंट्स मिली हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को, जिससे पता लगाया जा सकता है कि इमरान खान के ऊपर जो है वो कोई खुदा न खास्ता हमला किया जा सकता है। फिर इमरान खान कल 20-25 दिन के बाद पिशावर से बनी गाला आ रहे थे। इस हवाले से जो है वो वफाकी हुकूमत को ये कहा गया था कि सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट करें। जब इमरान खान पिशावर के अंदर मौजूद थे तो उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। तो कल रात को जिस खदशे का इजहार तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से किया जा रहा था वो इस हवाले से भी था कि वफाकी हुकूमत दोबारा इमरान खान को सिक्योरिटी दे, और बनी गाला में इमरान खान को जो है वो निशाना बनाना कदरे आसान है पिशावर से। चूंकि बनी गाला का अगर आपने इमरान खान का घर देखा हो तो इर्द गिर्द जो है वो पहाड़ हैं, इर्द गिर्द ऐसे रास्ते हैं जहां से इमरान खान के घर में आना
या घुसना कदरे आसान है अगर वो पिशावर में सीएम हाउस में या गवर्नर हाउस में वहां पर ठहर रहे हैं तो वहां पर मुश्किल है, क्योंकि वहां पर उनकी हुकूमत भी है, सिक्योरिटी भी उनकी अपनी है, यहाँ पर वो सिक्योरिटी आ नहीं सकती, यहाँ पर वफाकी हुकूमत को सिक्योरिटी देनी है। तो बाबर अवान का जो खदशा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, 3 दिन पहले इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ साहब और समी इब्राहिम साहब के मुतल्लिक शाहीन सेबाई साहब ने एक इंकशाफ किया। शाहीन सेबाई साहब पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इन दिनों में अमरीका में मौजूद है। उन्होंने ये कहा कि इन तीनों सहाफियों को मारने के लिए बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान से 4 हमलावर जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, यानी इस्तेमाल अपने ही लोग होते हैं लेकिन उनको इस्तेमाल बाहर बैठी हुई ताकतें करती हैं। और इमरान खान के केस में भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही। और एक और बात आपको बता दूं और आपके नाज़रीन को कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनके पास बड़ी मालूमात है, ये कोई हवा में बातें नहीं की जा रही, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके पास बाकायदा तौर पर इतलात हैं, मालूमात हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान को निशाना बनाया जा सकता है, और वो इमरान खान को भी बाकायदा तौर पर इतला दे चुके हैं। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। सर फिर उनकी सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई अगर इतनी इतलात हैं? और आज जैसे राणा सदाउल्ला ने कहा कि जी हमने दोबारा सिक्योरिटी दे दी है, मगर उन्होंने कहा कि जी जैसे ही उनकी जमानत खत्म होगी तो वही सिक्योरिटी जो है उनको गिरफ्तार कर लेगी। अब इस बयान का क्या मकसद है? देखिए पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ना इदरीस खान, वो खेल रही है आग के साथ। ये जो मामला है ना इमरान खान की सिक्योरिटी वाला, ये आग है। इसके साथ राणा सनाउल्ला को जो है वो खुद थोड़ा सा फहमो फरासत का मुजाहरा करना चाहिए, वो इस आग से ना खेलें तो ज्यादा बेहतर है। हमने बेनजीर भुट्टो शहीद को गवाह के जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, और खुदा ना खास्ता इस मौके पर अगर ऐसा कुछ होता है इमरान खान की जान को लेकर, तो आप एक लम्हे के लिए अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में कौन सा कोहराम आ सकता है, एक बाकायदा तौर पर कयामत बरपा हो सकती है। तो वफाकी हुकूमत को इस आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। जो उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई थी और सिक्योरिटी बाद में दी गई है, ये सारा मामला वफाकी हुकूमत इसको पोलिटिसाइज करती जा रही है। यानी नवाज शरीफ साहब की बेटी जो है वो एक कन्विक्टेड मुल्जमा है, वो अबूरी जमानत के ऊपर है, उनको सिक्योरिटी दे दी गई है। यानी एक खातून जो है उनको अदालत ने बाकायदा तौर पर, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये कहता है कि इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने झूठ बोला है, इनके जो असासे हैं वो इनकी आमदन से ज्यादा हैं, उनको सिक्योरिटी दे दी गई। एक बंदा जो डिजर्व करता है कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, यानी अगर आप और सब कुछ छोड़ दीजिए, जो पाकिस्तान के साबिक वजरा आजम को सिक्योरिटी मिलती है, कम अज कम इमरान खान को, वो सिक्योरिटी तो डिजर्व करते हैं ना। यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो कुछ दिन के लिए वजीर आजम रहे, आज तक वो साबिक वजीर आजम के तौर पर जो है वो सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं, तो ये सिक्योरिटी इमरान खान को भी मिलनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें राणा सनाउल्ला की सोच रखते हुए कि जनाब हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, हम कोई उनकी जान को खतरा नहीं है, तो ये अहमकाना बात है। और राणा सनाउल्ला को अंदाजा नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई हरकत होती है तो इस मुल्क के साथ क्या हो सकता है। राणा साहब जो है वो अपनी हुकूमत या किसी को खुश करने के लिए इस मुल्क का जो फ्यूचर है वो दाव पर लगा रहे हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए। सर दूसरी बात ये कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर पिंडी आपका क्या सोच रहा है, पिंडी की क्या सोच है? देखिए उनकी जो सोच है वो इमरान खान साहब अपने जलसों के अंदर बखूबी बता रहे हैं कि अब तो शौकत तरीन साहब ने जो है वो भी बड़ा बाकायदा तौर पर सेनेट के अंदर बताया कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा था और मैंने जाकर जो है वो हाई अप्स को ये बताया कि आप ये तजुर्बा ना करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी इसके मुतामिल नहीं हो सकती, लेकिन वो तजुर्बा हुआ। फिर जो कल दीर के अंदर जलसा था इमरान खान का, इमरान खान ने बाकायदा तौर पर ये कहा कि हमने न्यूट्रल्स को बताया था कि ये अमेरिका जो है वो साजिश कर रहा है, लेकिन न्यूट्रल्स ने आगे से ये जवाब दिया कि हम न्यूट्रल हैं। तो उस टाइम उनका काम न्यूट्रल रहना नहीं था, इस साजिश को रोकना था। इस सारे सिनेरियो के अंदर देखिए पाकिस्तान की फौज के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जितनी बातचीत हो रही है, पाकिस्तान की सियासत में कभी भी इतनी ओपनली बातचीत नहीं की गई। हम ये बातें जो है ये ड्राइंग रूम्स के अंदर करते थे, लेकिन अब जो है वो हर जगह पर डिस्कशन की जा रही है। तो इदारे को अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। अगर इदारे ने ये सोच लिया है कि उन्होंने न्यूट्रल रहना है, तो फिर इमरान खान का जो मुतालबा था लॉन्ग मार्च करने से एक दिन पहले कि फिर अब आप न्यूट्रल ही रहें, फिर आप इस हुकूमत के साथ खड़े ना हो। लेकिन आप ये भी ना भूलिए कि शहबाज शरीफ साहब गए हैं कराची, उन्होंने वहां पर जो है वो कराची के सनअतकारों से बातचीत की, और उस बातचीत के अंदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा किया
ये दरख्वास्त की कि जिस तरह आप इमरान खान के साथ खड़े हुए थे, आप हमारे साथ भी खड़े हो जाएं। यानी मुल्क का वजीर आजम खुद न्यूट्रल नहीं रहने दे रहा इदारे को, तो इदारा कैसे न्यूट्रल रह सकता है? वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो। राना सनाउल्ला ने ये बात कही कि जनाब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, कि ऐसे नहीं हुकूमत चल सकती, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, आप हमारे साथ खड़े होंगे तो हम इमरान खान को कंट्रोल करेंगे। तो फिर इदारा तो न्यूट्रल रहा ही नहीं ना, इदारे को हुकूमत ने खुद ये कह दिया कि आप हमारे साथ खड़े हो। इमरान खान ये कह रहे थे अगर आप न्यूट्रल रहें तो आप न्यूट्रल रहें, तो इदारे को न्यूट्रल रहना था। लेकिन जो लॉन्ग मार्च में हुआ वो न्यूट्रलिटी तो नहीं थी। किसके कहने पर पंजाब में जो है वो सारा दिन कंटेनर्स लगते रहे, पुलिस जो है वो शेलिंग बरसाती रही। तो इदारे को अपना स्टांस क्लियर करना है। अगर इमरान खान के साथ ताल्लुकात नहीं ठीक करने तो कम अज कम मौजूदा हुकूमत के साथ आप ताल्लुकात निभा कर कम अज कम आप न्यूट्रलिटी जो है वो अपनी बरकरार रखें। ये ना हो कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहे कि अब आप बायस्ड हो गए हैं, आप हुकूमत के साथ हो गए हैं, आप पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल जमात जो कह लीजिए कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। ये पिंडी को भी सोचना है, और मेरा ख्याल है कि पिंडी सोच भी रहा होगा। इसी वजह से चीज़ें आप देखें पाकिस्तान की सियासत में बड़ी चेंज भी हो रही हैं। कल आपने देखा कि FIA ने जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली है कि 11 जून को हमें इनको गिरफ्तार करना है। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। इदारा भी सोच रहा होगा कि किन लोगों को मुसल्लत कर दिया है। खास तौर पर 210 रुपये का पेट्रोल हो गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें महंगी हो गई। तो वहाँ पर भी बड़े अकलमंद लोग हैं जो मशवरे दे रहे होंगे। आई एम श्योर आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें और क्लियर होंगी। बिल्कुल सर, और यहाँ पे आखिर में ये बताते जाइएगा कि इमरान खान आने वाले दिनों में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं या फिर जो उनका लॉन्ग मार्च है जो आगे वो आगे करने जा रहे थे या फिर वो इससे पीछे हट जाएंगे? देखिए पीछे तो नहीं हटेंगे। इमरान खान को जो गारंटी दी गई है, मेरा ख्याल है इमरान खान उसका वेट कर रहे हैं। ये कुछ मेरी मालूमात भी हैं और कुछ ये मेरा एनालिसिस भी है। इमरान खान ने 26 साल सियासत की है, वो बच्चे तो नहीं हैं कि वो मार खा कर अपने कारकुनों की जानें गंवा कर पिशावर से इस्लामाबाद पहुँचे और आधे घंटे के अंदर लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दें। क्या आपको ये समझ आती है बात? क्या आपके व्यूवर्स को ये बात समझ आती है? ज़ाहिर है उन्होंने जो फैसला किया वो कुछ सोच समझ के किया होगा। वो मेरा ख्याल है या तो लॉन्ग मार्च करेंगे या वो जो है वो क्या कहते हैं अगली कॉल देंगे या हुकूमत को जो है वो बजट के बाद रुख्सत किया जाएगा। बहरहाल जो इमरान खान को गारंटी दी गई है वो अगले 6-7 दिनों में क्लियर होगी। 10 जून के बाद उस गारंटी की कुछ शक्ल जो है वो निकलती हुई नजर आएगी। चलें सर, अल्लाह पाक इमरान खान की जान की हिफाजत फरमाए और उनके मुतालबात हैं वो बहुत आसान मुतालबात हैं, उसके ऊपर भी जो हुकूमत को और इदारों को सोचना चाहिए। आपने हमें टाइम दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद बातचीत होती रहेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच।